मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्रि व्रत में खाने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जिसको खा के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस तरह का कोई भी पैन ले लेंगे, कढ़ाई भी ले लेंगे, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हो वो डाल लें। हम इसमें 3 जो है छोटे चम्मच ऑयल के डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का। करेंगे गैस का फ्लेम हल्का कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हल्का सा हिला लेंगे इस तरह से। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, 8-10 करी पत्ते डाल देंगे। धोकर हम इस तरह से काट लेंगे बारीक बारीक। आप करी पत्ता ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें। हम अच्छे से हिला लेंगे इसको। इसमें डालेंगे आप 4 से 5 उबले हुए आलू, इसको हमने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया। गैस का फ्लेम हमने हल्का ही रखना है और हल्के फ्लेम में हम डाल देंगे अब अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब नमक, आप 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डाल सकते हैं। 1/3 स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें 1/3 स्पून के करीब। आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया, दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे पटाटो मैशर इस तरह से और इसको हल्का हल्का जो है इस तरह से मैश कर देंगे। हल्का हल्का मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे से हमने इसको आप देख सकते हैं मैश कर लिया हल्का हल्का। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद करके इसको ठंडा करेंगे। मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये हमने इसको एक प्लेट में डाल लिया और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक ये हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, अब हम बनाएंगे एक डो बैटर बनाएंगे। ये हमने लिया कुट्टू का आटा, व्रत वाला कुट्टू का आटा, कोई भी आपके पास व्रत वाला आटा हो वो आप ले सकते हैं। 1 कप मैंने आटा लिया और ये साबूदाना मैंने लिया 3 चम्मच, उसको मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर पीस दिया है पाउडर फॉर्म में, और ये डाल देंगे इसमें। तो ये पीस के 3 से 4 चम्मच हो जाते हैं, ये सारा इसमें डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम कुछ अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, मैं 1/3 स्पून इसमें नमक का डालूंगी, सेंधा नमक, लाल मिर्च 1/3 स्पून, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और एक डो बना लेंगे, बैटर बना लेंगे इसका इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा पानी और डाल लेंगे। तो लीजिए बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा अपना बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, मिक्स कर लेंगे इसको। तो स्मूथ बैटर बनकर रेडी हो गया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो तैयार है, चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। आपको हम थोड़ा सा ऑयल के साथ कर लेंगे इस तरह से ग्रीस, और ये जो हमने बनाया है मसाला इसको हाफ में ले लेंगे। इस तरह से इसकी एक बॉल बना लेंगे इस तरह से, और किसी भी प्लेट में इस तरह से इसको रखते रहेंगे। तो सारी बॉल्स हमने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेनी है। और उसका बैटर अच्छी तरह से उठाएंगे हाथ में। जितनी बड़ी बॉल आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से जो है आप अपना ये मसाला ले सकते हैं, और बॉल बड़ी छोटी अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो लीजिए बॉल्स हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब ये हमने जो बैटर बनाया है इसको एक बार से दोबारा हिला लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये, तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। लीजिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई इसकी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप। कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं वो आप कढ़ाई में इस तरह से डाल लें, और ये बैटर जो हमने बनाया है इसको एक बार दोबारा और हिलाकर, ये जो बॉल हमने बनाई है बॉल हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, कवर कर लेंगे इसको। तो लीजिए ये देखिए इस तरह से बॉल हमने कवर कर लिए। अब ये एक एक करके बड़े आराम से कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। इसी तरह से दूसरी ले लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर लेंगे और दूसरी भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, इसको खा के मज़ा ही आ जाएगा। इतना टेस्टी बनता है कि सभी को अच्छा लगेगा, चाहे छोटे हो या बड़े, बड़े मज़े से सभी इसको खाएंगे। जितने आपके एक बार कढ़ाई में फिट आए उतने ही डालें।
इसको हल्की गैस पे हम पकने देते हैं, मोड़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं ये। इसको हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे हरी चटनी, बिल्कुल टेस्टी मज़ेदार सी चटपटी चटनी होगी। बाकी की भी इसमें डाल दिए इस तरह से, अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे फिर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हो रहे हैं, क्रिस्पी है। इसको थोड़ा और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो गए हैं। इसको निकाल लेंगे किसी भी टिश्यू पेपर में ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है निकल जाए। तो हम निकाल लेते हैं, गैस को करते हैं बंद। तो लीजिए मज़ेदार ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसके लिए अब हम बनाएंगे एक चटनी, हरी चटनी। इसके लिए हम लेंगे मिक्सी का अपना एक जार और इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। मिक्सी का जार ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, अच्छे से इसको धो लेंगे और काट लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कुछ मसाले। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इसमें पड़ेगा नमक। नमक इसमें पड़ेगा तकरीबन आधा चम्मच के करीब। तो आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे जीरा, साबुत जीरा डालेंगे बिना भुने हुए, आधा चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मूँगफली, आधा कप मूँगफली का डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी, 3 से 4 जो है बड़े चम्मच हम इसमें पानी के डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से पीस लीजिए, चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। बहुत ही आसान है बनानी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके साथ आप बहुत बढ़िया चटनी बनी है इसके, इसको आप इस चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी, लीजिए तैयार है हमारा नाश्ता। इसको गार्निश कर देंगे थोड़े हरे धनिया के पत्तियों के साथ और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें। इसको हमने गर्म तेल में से हल्का सा एक बार निकाल लिया है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। तो आप भी इस तरह से हरी मिर्चों को करें और इस तरह से इसके साथ खाएं, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार लगेंगी। पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि रोज़ की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।